दोस्तों हमारा हेड जो पूरी तरह से निकल चुका है, तो दिखाता हूँ कि हेड हमने जो निकाला है वो सबसे पहले क्यों निकाला है। ये चेक करके ले लिया है मैंने, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ना ही किसी तरह का कोई गैप वगैरह है, तो ये क्लीनिंग करके हो जाएगा। हेड का मैं आपको दिखाता हूँ कि हेड जो हमने निकाला है वो इसलिए निकाला है कि गाड़ी हमारी बहुत ज़्यादा मिसिंग करती है और स्ट्रोक अच्छे से नहीं पड़ रहा है गाड़ी के अंदर। और दूसरी दिक्कत ये है कि गाड़ी बार बार बंद हो रही है, मतलब ऐसे कि जैसे कॉम्प्रेशन उसके अंदर तैयार ही नहीं हो रहा है। अभी हेड तो हमने निकाल लिया, लेकिन हेड हम कैसे चेक करेंगे कि हेड के अंदर ही दिक्कत आ रही है। सबसे पहले तो हम लोगों ने चेक किया था इसका सारा सिस्टम, यहाँ तक कि हमने इसके इग्नाइटर बदल दिए, स्पार्क प्लग बदल दिए, लैंप सेंसर चेक कर लिया, थ्रोटल बॉडी चेक कर ली, जितने भी मिसिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम थे सारे चेक कर लिए थे, सारे ओके थे, किसी में कोई दिक्कत नहीं थी। फाइनली हमने हेड खोला है और आपको मैं बताता हूँ कि हेड किस तरह से चेक किया जाता है। आप हेड चेक करने के लिए कूलेंट ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, या तो फिर डीजल ले सकते हैं, जिससे भी आपको वॉल जो है ना चेक करना है कि वॉल की गाइड तो कहीं लीक नहीं, कट नहीं हो गई है, जिसके वजह से। जरा बेटा यहाँ पे देख, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो आप वॉल देख रहे हैं ना, इसके तो गाइड जो है वो तो कट नहीं हो गए, यहाँ पे जो गाइड्स वगैरह रहते हैं इसके, तो वो आपको चेक करने पड़ते हैं। तो ये किस तरह से चेक करें हम कि लीकेज है क्या नहीं, तो इसको दिखाने के लिए मैंने कूलेंट लिया है, आपको दिखाता हूँ कि ये लीक है या नहीं, हम कैसे चेक कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ से कूलेंट डलवाना है, अगर यहाँ से लीक हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका कॉम्प्रेशन तैयार नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में दिक्कतें आ रही है। ये देखिए दोस्तों, पूरा लीक हो रहा है कूलेंट यहाँ से, इसका मतलब ये अब इस तरफ देखिए, यहाँ से भी थोड़ा सा आ रहा है और तीसरे में चेक करते हैं हम, मतलब तीनों के तीनों वॉल जो हैं वो हमारे लीक है, जिसके वजह से हमारी गाड़ी में तकलीफ हो रही है। और इस गाड़ी का जैसे कि ये ओनर कह रहे हैं कि हमने सब तरफ दिखा के आ चुके हैं और हमारी गाड़ी का काम अभी तक नहीं हुआ, जबकि हमने इस गाड़ी के ऊपर 30,000 से ऊपर खर्चा किया। तो फाइनली हम लोगों ने फॉल्ट तो हमको मिल गया है, अभी हेड में दूंगा ओवरऑल करने के लिए, हेड रिपेयरिंग के लिए, फिर उसके बाद में बिठाते हैं और फिर टेस्ट ऑयल लेते हैं। तो अभी तो मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से हेड चेक करते हैं कि लीक है क्या नहीं, तो इस तरह से आप सिंपली चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही है, अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।